थोड़ी सी सेटलमेंट करवानी पड़ी है फेंडर वगैरह की, बाकी कोई दिक्कत। अच्छा फेंडर वगैरह कटे हैं अपने, अगर मैं दिखाऊं तो भाई कैसे? भाई गाड़ी तो यार क्या बताऊं, एक नंबर बना रहा है। तो भाई ये है फ्रंट से कुछ ऐसी, अगर दिखाऊं तो फ्रंट में भाई इतने कुछ है। बैक टू माय चैनल, होप करता हूँ सब बढ़िया हो गए और मस्त हो गए। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। अपने चैनल पे भाई दूसरी एक्सयूवी 500 आने वाली है और बहुत ही तगड़ी बनाई है भाई ने, लगा रखी अपने भाई 20 इंच के अलॉय व्हील, तो सब चीज बताने वाले डिटेल में। तो भाई का इंस्टाग्राम स्क्रीन पर आई रहोगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगा। तो चलिए गाइस बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो गाइस आज की वीडियो हमारे साथ है हनी भाई। तो भाई कैसे हो? भाई गाड़ी तो यार क्या बताऊं, एक नंबर बना रखी है, फुल तगड़ी बना रखी है। अगर दिखाऊं फ्रंट से तो भाई ये देखो, भाई फ्रंट से भाई कुछ ऐसी लुक आ रही है, तो देख सकते हो। तो भाई ये बताओ सबसे पहले मेन चीज कि भाई गाड़ी का मॉडल कौन सा अपनी का? भाई 2016 और वेरिएंट कौन सा? टॉप है कौन सा भाई? W8 है। तो इसका टॉप मॉडल कौन सा आता था भाई? W10। तो भाई ये देखो, और डीजल है भाई ये? तो ये देखो भाई, भाई ने करवा रखी है कमेलियन रैप, तो भाई बहुत ही प्यारा लग रहा था। भाई ये बताओ सबसे पहले कि भाई कितने का पड़ गया आपको? 3600 के आसपास का अपना। तो भाई अगर मैं दिखाऊं तो भाई ने लगवा रखी है हमर वाली लाइट जो होती है छोटी छोटी, है ना भाई? तो भाई ये कितने की पड़ी आपको? ये भाई ऐसी थी 1500-2000 की थी, 1500-2000 के आसपास की। और भाई ने ना जेड ब्लैक करा रखी, तो भाई रिकमेंडेड नहीं है कुछ भी। और भाई ने फिर तो LED बहुत कैसे डलवा रखी होंगी, है ना भाई? तो भाई ये देखो तीनों में अपनी भाई LED डली है। तो भाई कितने वाट है ये? भाई 150 वाट है तीनों में। तो भाई तो चांदना कर देती होगी रात में। बढ़िया। तो भाई देखो फ्रंट भी करवा रखा भाई ने, मतलब फुल रोशनी फुल उजाला कर देते हैं भाई जहाँ से निकलते हैं। तो भाई ये है फ्रंट से कुछ ऐसी, अगर दिखाऊं तो फ्रंट में भाई इतना ही कुछ है। तो फ्रंट इतना ही कुछ है भाई, मेन चीज मुझे पता है। तो अलॉय व्हील की कह रहे होगे, अभी रुक जाओ 5 मिनट और रुको, पहले पीछे से दिखा दूं। तो भाई पीछे से कुछ इस तरीके की है। तो भाई ये क्यों लगवा रखा है लेग गार्ड? आपको दिखाऊं तो भाई ये है 275/45 R20, यानी भाई 20 इंची की अलॉय व्हील है। तो भाई मतलब कैसे, मतलब क्या दिमाग में आया कि भाई 20 इंची डलवाने? कैसे भाई 18 डलवा के देखे थे, मजा नहीं आया इसमें। तो भाई मजा आ गएगा तो भाई इसमें भाई देखो, एक तो गाड़ी भी फुल बड़ी साइज है ना, तो ये भी अगर दिखाऊं ना भाई छोटे से और लग रहे हैं इसमें, है ना? अगर भाई जब गए थे आप डलवाने तो 20-22 का क्या दिमाग में था? 22 का डलवाया था, 22 में जो मुझे चाहिए था वो डिजाइन था नहीं। हाँ। इस वजह से फिर 20 ही डलवाना पड़ा मजबूरी में, मजबूर करवाऊंगा। फिर भाई ने सोची चलो अब आई गए तो खर्चा कर ही दे। तो भाई ये है तुम्हारे 20 इंच। तो भाई चलाने वालाने में कैसा रिस्पॉन्स है? भाई बिल्कुल बढ़िया है, बढ़िया, कोई डिफरेंस ही नहीं है। बंदे बोलते हैं भाई 20 इंच में गड्ढे महसूस होते हैं, ऐसा कुछ कुछ भी नहीं, बढ़िया चल रही है। तो भाई ये है अपने 20 इंच, और प्लस इसमें लगे भाई स्पेसर अपने, है ना? तो भाई स्पेसर कितने क्या लगे अपने? स्पेसर 10,000 के थे भाई। 10,000 के स्पेसर हो गए। टायर अलॉय? टायर अलॉय थे 120 के। 120 मतलब 1,20,000, और अगर 10 के हमारे 1,30,000, 1,30 के भाई ये पड़ गए। तो भाई जो इसमें लगे हुए थे वो देखे इतने के पड़े कैसे? वो ले आए थे। तो भाई ये चीज ना सही है कि भाई जो डलवाओ ना, जो मतलब इसमें पहले होते स्टॉक उनको घर ले आओ, वो बेस्ट है। कुछ वैसे भी वर्थ लगाते नहीं है इससे बढ़िया तो। कितने लगाए थे भाई आपके टायर के? पता नहीं, मैंने लगवाए नहीं भाई, मुझे तो लेके जाना। तो इसमें पहले अलॉय व्हील थे या वैसे व्हील कवर वाले? इसमें W8 में अलॉय व्हील थे। अच्छा, वो जो कंपनी से आते हैं? कंपनी वाले। तो भाई ये देखो कुछ इस तरीके के है। तो भाई एवरेज वगैरह क्या निकाल रही है इनमें? भाई नोटिस ही नहीं करी, नोटिस नहीं करी, बस टंकी फुल कराओ चलने दो भाई। मतलब एक थोड़ा आइडिया अगर 10-12 के आसपास की तो होगी। मतलब जो पहले डल रहे थे उनसे गिरी है एवरेज? कैसे? कुछ भी फर्क नहीं है, सेम सी लग रही है। इसमें एक चीज हो रहा है कि तेज चलाओ धीरे चलाओ एवरेज सेम है। कहते हैं तेज चलाने से एवरेज कम हो जाती है, इसमें कोई डिफरेंस इसमें नहीं है भाई, ये देख लो। और भाई मतलब कुछ नेगेटिव पॉइंट ऐसा लगा कि भाई मतलब कि 20 इंच डलवा के गलती कर दी यार, नहीं डलवानी चाहिए थे, ऐसा कुछ लगा एक बार को? कुछ नहीं, बस थोड़ी सी सेटलमेंट करवानी पड़ी है फेंडर वगैरह की, बाकी कोई दिक्कत। अच्छा फेंडर वगैरह कटे हैं अपने, अगर मैं दिखाऊं तो भाई कैसे? हथौड़े बजाएंगे इसमें, है ना?
भाई ये देख लो बड़ी हथौड़े बजाए, क्योंकि भाई ऐसे लगता है जब वो हथौड़े बजाते हैं ना अंदर ठोकते हैं ऐसे लगता है भाई हम में बज रहे हैं। तो भाई ये है कुछ ऐसी। तो भाई अगर बंदे बोलते 20 मतलब कि 20 इंच जैसे अपने, तो ज्यादा अगर तेज चलाएंगे तो भाई बबलिंग करती है। फिलहाल कोई भी बबलिंग नहीं है, बैलेंसिंग अलाइनमेंट करवा दिया था मैंने साथ के साथ लाते ही। तो 100 वो पार करते हैं तो कहते भाई स्टीयरिंग में हल्की 150 भी लेकर आया था वहां से 150 भाई वाह ये देख लो बढ़िया चल रही थी 150 भगा दी भाई ने अलॉय व्हील पे। और बताओ तो भाई बाहर से हो गई पूरी। तो भाई अब अंदर आ जाओ, अंदर से दिखाते अंदर क्या क्या है। तो भाई ये देखो अंदर से है भाई कुछ इस तरीके की, ये देखो कुछ इस तरीके का भाई इसका इंटीरियर आता है। अभी भाई करवाने वाले इसका इंटीरियर फुल कैडा ना भाई, ब्लैक करूंगा इंटीरियर पूरा ब्लैक, पूरा ब्लैक करूंगा। मतलब काली गाड़ी, काले काम, काले शीशे, अंदर से भी गाड़ी काली, अच्छा काम सफेदी भाई के। तो भाई ये है कुछ इस तरीके। सिस्टम वगैरह में क्या क्या अपनी कार में? सिस्टम भाई चारों कंपोनेंट लग रहे हैं इसमें, एमटेक्स के चार कंपोनेंट लग रहे भाई एमटेक्स के। भाई ये देख लो, और भाई बूफर वगैरह में? बूफर इसमें पायनियर का लग रहा है, वो डबल कॉइल वाला है ना। तो भाई एम कितने? दो हैं, एक मोनो लग रहा है, एक चार चैनल लग रहा है, दो एम्प लगे हुए हैं। तो भाई ये अपना सिस्टम कुछ ऐसा। तो अगर दिखाऊं तो भाई ने देखो इस तरीके की सीजी, तो आपको भाई इतनी बड़ी गाड़ी और ये सब चीजें ना मिले तो भाई तो बहुत छोटी चीज हो गई है ना इसके लिए। तो ये सब चीज मिल जाएगी, साउंड वगैरह पता होगी तुम्हें कितनी रहती है, बहुत बार आपको चला के दिखाया है। तो भाई एक बार और बजा दो आज इसे। तो भाई कितनी बाल्टी वगैरह इसमें? डबल बाल्टी है इसमें, डबल बाल्टी है। तो भाई ये छोड़ो छोड़ो क्या दिखाएंगे इसको, भाई पब्लिक ने सुना हुआ है तो डबल बाल्टी लगी। भाई कितने क्या खर्चा आ गया था इसमें सायरन में? इसमें ऐसे ही आया था 7-1 हज़ार का आया था, 7-1 हज़ार की भाई बाल्टी वगैरह में इसमें खर्चा आया था। तो भाई आपको आउटपुट सुनाने वाले हैं, तो भाई अपना सॉन्ग प्ले कर देते हैं अब। बताओ सिस्टम तो फुल कैडा बज रहा है ना। तो भाई कितना क्या खर्चा कर दियोगे सिस्टम वगैरह पे? भाई सिस्टम में इसमें टोटल लगे थे 45,000 के आसपास लगे, 45-50 के आसपास, मतलब 40-50 हज़ार के आसपास है ना। अपग्रेड करूंगा, मजा नहीं आ रहा इसमें अभी। अच्छा मजा नहीं आ रहा भाई को। तो भाई डबल बूफर ट्रिपल कितने? डबल लगवाएंगे। तो भाई एक बार दिखाऊंगे किस तरीके से प्लेसमेंट है पीछे बूफर की। तो आपको भाई बूफर की प्लेसमेंट दिखाते हैं। तो भाई ये देखो ये रहा अपना भाई बूफर। तो डबल लगवाए तो भाई डिग्गी तो पूरी खत्म हो जाएगी है ना, खत्म ही जब भी सीट नहीं खुल पाती इसकी। हाँ ये तो है भाई, तो नहीं है, सिंगल ही चलता हूँ मैं, सिंगल डबल ट्रिपल बस बस ज्यादा ज्यादा है ना। तो भाई ये हो गई, घूमते फैमिली के साथ तो कहीं जा रहे हैं बिल्कुल। तो भाई ये हो गई पूरी गाड़ी। अब ये बताओ भाई पूरी गाड़ी में कितने पैसे लगा रखोगेगा? पूरी गाड़ी पे 130 तो मोटे मोटे अलॉय के हो गए, 50 तुम्हारे उसके हो गए सिस्टम के है ना, और छोटी मोटी चीजें मिला मुलू के भाई कितने हो गए? 2-2.5 के आसपास। तो मतलब बढ़िया लगा कि भाई 2 लाख रुपए खर्च कर रखे हैं है ना, वर्थ है। पब्लिक का रिएक्शन देख के तो और मजा। और अब तो भाई 20 इंच डालते, पब्लिक के रिएक्शन तो अल्टीमेट ही है ना, बढ़िया। तो भाई ये देखो ये हो गई। और भाई इंस्टाग्राम आईडी किस नाम से रहने वाली है? दी हनी सिंह के नाम से, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी स्क्रीन पर आ रहा होगा, जाके रील वगैरह देख लेना, फॉलो कर लेना भाई को और हमको भी फॉलो कर लेना। तो भाई सब चीज दिखा दी, अगर जहां तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।